जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम दोनों को पढ़ना लिखना जरूरी है। महिला को भी पढ़ना है और पुरुष को भी पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें जानकारी हो सके कि हम आगे क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर पुरुषों का है, तो पुरुष को चढ़ बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि महिला तो दोहरी मार मार खाती हैं। वो घर में भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, और पुरुष भी काम करते हैं। तो अगर परिवार नियोजन में पुरुष भी साथ दें तो महिलाओं को सुविधा होगा। अगर महिलाएं साथ देती हैं तो महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जाना, उन्हें करा के लाना, और उस तरह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है, उनके लिए जो जागरूकता हम लोगों ने किया है, और उस केयर के लिए भी, तो उसमें पुरुष जब हॉस्पिटल ले जाएगा तब ना उसको मिलेगा, और जब पुरुष ले ही नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा। इसलिए हम सभी लोगों को एक तो पढ़ना जरूरी है, दूसरा है कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम कुपोषण के शिकार होते जाएंगे। बिहार में ऐसे ही जनसंख्या हमारी काफ़ी बढ़ी हुई है, और देश में भी जो जनसंख्या है, तो उसके लिए भी जो हमारा यहाँ कार्यक्रम है, और हम तो माननीय अपने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो लिटरेसी का कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। देश के प्रधानमंत्री को मैं माननीय नरेंद्र मोदी को देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दोनों लोगों ने डबल इंजन की सरकार में, और आज इंटर क्लास तक हमारे बिहार की सरकार जो है, इंटर इंटर जो है पंचायत तक कर दी। तो जब हमारी बच्चियां जब पढ़ के जाती है पंचायती अपने पंचायत से इंटर तक, हमारे यहाँ मेडिकल में 33% हुआ, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में 33% हुआ, हमारे यहाँ खेल में 33% हुआ। और इस तरह के जो कार्य हैं जो बढ़ रहे हैं, महिलाओं का जो हौसला बढ़ा है, तो ये तो अपना इलेक्ट्रिसिटी देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा है, उससे हमारा प्रजनन दर भी कम हुआ है, बिहार का इस समय कम हुआ है। तो इसलिए पढ़ना तो सबसे जरूरी है, एजुकेशन सबसे जरूरी है, और इसमें हम आग्रह करते हैं पुरुष भाइयों को कि बढ़ चढ़ के भाग लें, और अपने बच्चों को दो हम हमारे दो करने का अगर करेंगे तो भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा।